नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के महीदपुर तहसील के गांव भीमाखेड़ा में उस समय लोग हैरान रह गए जब यहां बनाए जा रहे मंदिर में शिवलिंग के पास एक बड़ा नाग फन फैलाकर बैठ गया। यह नाग काफी देर तक शिवलिंग के पास यूं ही बैठा रहा। कुछ लोगों ने शिवलिंग के पास बैठे इस नाग का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब यह वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि जैसे ही शिवलिंग के पास बैठे नाग की खबर गांव में पहुंची, मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गांव के लोग इस वाकये को भगवान भोलेनाथ का चमत्कार मानकर नाग को देखने पहुंचने लगे। देखते ही देखते मंदिर परिसर में भारी भीड़ लग गई। कोई इसे चमत्कार मान रहा था तो कोई यह कहता दिखा कि भगवान ने सर्प के रूप में प्रकट होकर दर्शन दिया है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने नाग को दूध अर्पित किया और उसकी पूजा की। बता दें कि विज्ञान के अनुसार सर्प दूध नहीं पीता, उसका पाचन तंत्र दूध को पचाने के अनुरूप नहीं बना। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाद में नाग वहाँ से चला गया। गाँव के भीमाखेड़ा में लोग पिछले 3 महीने से मुक्तेश्वर धाम मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। मंगलवार को सुबह लोग जब निर्माणाधीन मंदिर परिसर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान मुक्तेश्वर महादेव के शिवलिंग पर फन फैलाकर एक नाग बैठा है। यह खबर गांव में तेजी से फैली। लोग चमत्कार को देखने बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गई। बड़ी संख्या में लोग मुक्तेश्वर महादेव की पूजा करने के लिए पहुंचे। सांप काफी देर तक फन फैलाकर शिवलिंग पर बैठा रहा। लोगों ने नाग की पूजा की, बाद में नाग वहां से चला गया। महीदपुर भीमाखेड़ा के देवीलाल ने कहा कि यह भगवान का चमत्कार है। इसके पहले गांव में कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ। यह भगवान की कृपा है। इस घटना की चर्चा आसपास के इलाकों में भी हो रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।